पूरा व्यू है यहाँ प्रसाद। अरे देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं सो रखा है मस्त। कैक्टस देखना कांटे भी हैं उसमें। गिज्जू गिड़ अवतार लिया हुआ था हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से किसी न्यू प्लेस पे जा रहे हैं और मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो आज भी हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए क्योंकि आज सैटरडे है, तो हमने सोचा चलो घूम के आते हैं। बस ये है कि पापा जी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बाय बाय। मुझे लगा बोल के नहीं रहे, शीशा लगाया। जितना हो सके तो हमारा सफ़र लगभग शुरू हुआ 10 बजे के आसपास और जहाँ अभी हम जा रहे हैं ना वो बिल्कुल भी इस प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन रात से इतनी बारिश हो रही थी कि वो रुकी नहीं। तो हमारा जो प्लान था एक्चुअली वो था नाथुला पास जाने का और वो फिर कैंसिल करना पड़ा। और लेट होने की वजह से फिर जैसे ही बारिश रुकी 9:30 के आसपास, तो निकलते निकलते 10 बज गया था। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं रूमटेक मॉनेस्ट्री। तो गैंगटॉक से लगभग 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये जगह पड़ेगी और अभी जो प्रेजेंट में जो है ये जो रूमटेक मॉनेस्ट्री है वो सिक्किम की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री मानी जाती है। तो बारिश की वजह से जो आपको रोड भी दिख रही होगी एकदम धुली धुली सी, लेकिन यहाँ की ना जो सीनरी है, जो ग्रीनरी है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इतनी सफाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको रूमटेक जो मॉनेस्ट्री है उसके बारे में बता देती हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी वो चीज़ें याद रहें जब हम उस जगह को देखें। तो बेसिकली रूमटेक मॉनेस्ट्री को धर्मचक्र सेंटर भी बोलते हैं और 1966 में एक सोलवे कर्मपा ने इसका जो है इस मॉनेस्ट्री का उद्घाटन किया था। तो अगर इसकी हिस्ट्री को जानने से पहले हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1966 से पहले जो है 18वीं सदी के बीच में जो 12वें कर्मापा थे उन्होंने जो है इस मॉनेस्ट्री को बनाया था। लेकिन जब 1959 में 16वें कर्मापा जो है तिब्बत से सिक्किम पहुंचे तो ये मॉनेस्ट्री तब तक पूरी तरीके से खंडर में बदल चुकी थी, जिसे देखकर उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि इसी मॉनेस्ट्री को मैं फिर से बनाऊँगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो ये रूमटेक है ये काफ़ी गुणी जगह थी, मतलब एक तरफ से कहें तो बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे फिर से इस मॉनेस्ट्री को तैयार करूँगा। उनको यहाँ की नदियाँ, पहाड़, झरने और जो ग्रीनरी थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये भी एक रीज़न था इस मॉनेस्ट्री को फिर से बनाने का। यहाँ पे अभी इनका कुछ पूजा वगैरह चल रही है तो सभी लोग बैठे हुए हैं, तो उधर साइड जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इधर सीढ़ी से ऊपर चढ़ के इधर घूमने के लिए आ गए। तो आज का मौसम जो है वो पूरा क्लियर नहीं है, धुंध सी है। ये पूरा व्यू है यहाँ से लेकिन वो क्लियर नहीं है क्योंकि धुंध है बहुत। तो जो नीचे पूजा चल रही थी उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था और वहाँ पे ना कोई था भी नहीं उस टाइम पे हमें जो एक्सप्लेन कर सके चीज़ें। जला तो दिया रखोगे किधर, ऐसी रख दो। लेकिन ये बहुत फिसलन हो रहा है मम्मी। यहाँ पर रख दो, लेकिन आराम से चलना भाई, नहीं फिसलेंगे बचा ले। प्रसाद। तो अभी जब तक पूजा वूजा चल रही है तब तक हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो इनकी मेन बिल्डिंग है उसके जस्ट बैक साइड पे ये इंस्टीट्यूट है बुद्धिस्ट की हायर स्टडीज़ के लिए और हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि पूजा पाठ चल रही है तो उसमें हम अंदर साइड नहीं देख पाए। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं। इसकी जो बिल्डिंग है ना वो छत से दिख रही थी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो हमने सोचा चलो तब तक उसको देख लेते हैं। और ये पेंट कर रहे हैं पूरे, कितना सुंदर लग रहा है। वो घंटी बजेगी यहाँ टन टन टन। गोल्डन स्टेप नहीं, गोल्डन स्टूप स्टूप, सॉरी मैं
अरे देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरी बॉटल में ऐसे प्लांट्स लगाए ये। ये देखो सीढ़ी बोतलों की कितना बढ़िया लग रहा है ना। इसने इन्होंने नीचे को कर रखा है, और शायद नीचे को वाले प्लांट होंगे ना बोतल का मुंह, उसमें ऊपर को करा है ना, इस वाले में नीचे को करा है। पूरी दीवार में भी बॉटल ही बॉटल लगाए। तो स्टेयर से ऊपर चढ़ के लेफ्ट साइड पे एक रूम है जहाँ पे सोलवे करमापा के अवशेष रखे हुए हैं एक गोल्डन स्तूप पे। वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना थी तो मैं नहीं कर पाई। तो ये यहाँ का शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यालय है इनका, आई थिंक यहाँ पे रहते भी हैं क्योंकि कपड़े वपड़े भी डाले हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो करो ऐसे, हेलो बोलो बोलो, अभी सुस्त पड़ी हो। सारे शौक पूरे कर लो आप। कैक्टस नहीं, ब्रह्म कमल में कांटे नहीं होते। हाँ एक ही रहता है, ऐसे जॉइंट होता है वो पत्तियाँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ ये एक पहचान है कैक्टस की, तीन पत्ते एक साथ, कांटे भी हैं इसमें। कैक्टस देखना कांटे भी हैं उसमें। हाँ पता नहीं चल रहे इतने महीने किसमें, इसमें इन सब ये देखो ये अलग ही निकला है। ये फूल ऐसे ही होता होगा। और ये कीड़ा देखो ये गिज्जू कीड़ा। ओ कीड़ा करो में देखो। अब इनकी लैंग्वेज तो हमें नहीं पता ना, कुछ लिखा होगा इसमें, ऐसे ही इकट्ठा करते रहते होंगे। अच्छा नीचे से मुझे लग रहा था कि पूरे गमला ही है ये, अभी देखा ना आते समय कहाँ देखा। ऊपर वाला भी उल्टा कर रखा है। हाँ बड़ा वाला ना, टायरों में फ्लावर्स लगाए इन्होंने, प्लांट्स कितना सुंदर लग रहा है। मैं सो रखा है मस्त, ये देखो बॉन्साई, बॉन्साई जो छोटे पेड़ होते हैं। हाँ आ गया आ गया। पहले आप लोग भी ऐसे करते थे क्या? वही तो इसको ऐसे बात दो। इनका सामान है मम्मी, आपको कुछ लेना है तो पर्स पुर्स ऐसा तो ये लेके आई अपने साथ, ऐसा ये इसके पास है वो टांगा है उसने। अवतार लिया हुआ था पहले, फोटो लगी है अंदर। हाँ री इनकार्नेटेड है, क्या की मैं मरूंगा, मैं मरने के बाद वहाँ जाना मिलूंगा, क्योंकि पहले डिसाइड करके जाते हैं बुद्धिज्म में। तो क्या है की 16 देवकर्मा को वहाँ था इनका, ये सेम ऐसे मनुष्य वहाँ सूरपा नाम की जगह में, सूरपा नाम की जगह तिब्बत में, अभी भी तिब्बत में उसी डिजाइन में ये बना। वहाँ से भारत के आए तो भूटान में आए, भूटान में आने के बाद क्या है कि यहाँ का एक सिक्किम एक कंट्री था,
राजा ने उनको छोगियर में बुलाया, यहाँ आ जाओ हम लैंड देंगे, आप यहीं मिनिस्ट्री बनाओ करके यहाँ रखो। यहाँ रह गया तो फिर क्या है कि उसके बाद क्या है कि यहाँ 1966 में ये मिनिस्ट्री दोबारा बना दिया, तो ये थोड़ा आगे रहते थे जब नए नए में। तो क्या है कि कुछ सामान उन्होंने यहाँ रखा, ट्रेजरीज वगैरह, तो कुछ सामान वहाँ रखा टेबेटोलॉजी में, जो अभी मैं बता रहा हूँ। टेबेटोलॉजी में क्या है कि उनके साथ जो डाऊ लाया, कुकरी लाया, जो उसका पानी उठाने के लिए गट्टा लाया, ये लाया वो लाया, दुनिया भर के जो लॉजिस्टिक आइटम्स वहाँ रखा है। यहाँ सिर्फ इन्होंने ट्रेजरी और कुछ किताबें रखा है, धर्मग्रंथ और आधा धर्मग्रंथ वहाँ ही, इसीलिए वहाँ टिबेटोलॉजी, वहाँ एक किस्म से म्यूजियम है। अच्छा, अभी जो अभी अंदर हो रहा था वो पूजा हो रही थी जो उनकी हो रही है। ये पूजा हमारा ही बोले तो हमारा हिंदू में इतना बड़ा पूजा कहीं हुआ ही। अच्छा, ये 5-7 महीना का पूजा है ये, और जो पूजा कर रहे हैं जो गुरु जी है ये 12वां अवतार ले चुका है, पहले जो गुरु जी पढ़ रहे हैं ना वो 12वां अवतार। हाँ हाँ, साइड किया ना वो, वही तो आगे से टंडल लेके जा रहे थे, जो आगे टंडल होता है जो हमारा जैसे आगे वैसा ही है। और फिर क्या है कि वो एक तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा अवतारी लामा है, उसके साथ साथ कई लामा और है जिसने 6 अवतार लिया है, किसने 4 अवतार लिया है, ये सारे लामा लोग यहाँ आए हुए जो तो मतलब ये सबसे बड़े किसी से मतलब बोले तो आपका इंटरनेशनल लेवल का है ये। उसके अंदर गोल्ड वगैरह, हीरा सोना, अरब ट्रेजरी तो नीचे है, अरब का संपत्ति रहता है। कोई भी आदमी बुद्धिज्म में मरता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सोना होना चाहते हैं। तो ये ITVP के ही कमांडर हैं कोई, एक्चुअली मुझे अभी यहाँ पे इनका नाम नहीं पता है, रवि भैया इनको जानते थे तो इन्होंने हमें बताया, क्योंकि ये लोकल के ही हैं तो इन्होंने हमें इस पूरे जो पूजा हो रही थी उसके बारे में बताया। तो जब हमने वो सारी चीज़ें सुनी और जानी तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखो कोई भी है, अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई भी लोकल का पर्सन आपको पूरी तरीके से उस जगह के बारे में अच्छी चीज़ें बता सकता है, और इनके धर्म के बारे में जान के और उसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें जान के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मतलब अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अभी हम लोग निकलने लग गए हैं दूसरी लोकेशन के लिए, वो भी हमने एक्चुअली इन्हीं से पूछी क्योंकि हमें इस रूट का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा रैंडम प्लान बना था जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो अभी जो नेक्स्ट लोकेशन है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो हमारा रूम टेक जो मॉनेस्ट्री है उसका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye-bye. Take care.